जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे इसके लिए जो है आपको आवेदन करना है, इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, स्टेप बाई स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी गलती के। इसके लिए जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी गलती के। घर पर बैठकर आप खुद से अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी गलती के। देखिए ये प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये चंडीगढ़ पुलिस की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसका जो डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे इसके लिए आपने अप्लाई करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकारी दे दूं, जैसे कि चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की वैकेंसी है, वैकेंसी 144 वैकेंसी आपकी दी गई है। सैलरी जो आपको 21,700 से 69,700 तक सैलरी मिलेगी, लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। जॉब लोकेशन आपकी चंडीगढ़ रहेगी इसकी। उसके बाद आगे बात करें तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं 23 जनवरी आज से ही शुरू हो चुके हैं और 13 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई, और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 मार्च 2024 को एग्ज़ाम होगा, और आपका जो फिजिकल होने वाला है वो आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च की जो लास्ट वीक है उसमें आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 1,000 रुपये फीस है, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये फीस है, सर्विसमैन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, फीस जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी इसके लिए। उसके बाद आगे बात करें तो एज की बात करें तो 18 से 25 साल एज है, जनवरी 23 जनवरी 2024 से आपकी एज हो इसमें काउंट की जाएगी, SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की, इसमें आपको छूट दी जाएगी। देखिए आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है इसकी, क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएट कर रखी है PG कॉम कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी फील्ड से, इन सेमीन में से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई, मेल की 82 और फीमेल की 48 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की 14 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी 144 वैकेंसी दी गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले इसमें आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका PET PMT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब अप्लाई कर लेते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। आप देखिए चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर जैसे विजिट करेंगे उसके बाद यहाँ से रजिस्टर्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट आ जाती है, जैसे कि उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, जो भी आपका 10th क्लास की मार्कशीट में वही डिटेल आपको फिलअप करनी है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को आप डाल देंगे, ईमेल आईडी को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है सिंपल। देखिए जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका जो है OTP सेंड कर दिया है, यहाँ पर आपको OTP फिलअप करना है और वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना है सिंपल। देखिए जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है यहाँ पर। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है सिर्फ। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका जो है लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट यूआर फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको वेट कर लेना है। देखिए ईमेल आईडी और आपका जो SMS है उस पर आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी हो सेंड की जाएगी आपके पास, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा कंप्लीट यूआर फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना है, जो साइट है थोड़ी बिजी है तो थोड़ा वेट कर ले आप यहाँ पर। उसके बाद देखिए जैसे ही कंप्लीट होगा तो आगे का मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा आगे का। देखिए उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है कैटेगरी आ जाती है, कैटेगरी मतलब कि आपकी क्या कास्ट है वो यहाँ पर डाल देंगे आप, जर्नल है, EWS हो, OBC है या शेड्यूल कास्ट है, जो भी है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, जैसे मैंने जर्नल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपने फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद आप जो सिटीजन आप इंडियन हैं वो उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे आप सिंपल। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो चंडीगढ़ पुलिस में आप हैं जो सर्विस कर रहे हैं वो डाल देंगे, आईडी प्रूफ यहाँ पर आप जो भी देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पर डाल देंगे आप।
जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर जो भी है आपके पास वो सर्टिफिकेट का नंबर या डाल देंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। आप होमगार्ड हैं तो यहाँ पर यस नो करेंगे। आप हिल एरिया से हैं तो यहाँ पर यस नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद देखें जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन आपको डालनी होगी, जैसे कि पहले आपको 10th क्लास की, किसी आपने 10th क्लास पास की, किस बोर्ड से की है, कितने नंबर है आपको, यहाँ पर मार्क्स आपको डाल देना है, ये आपको फिलअप करना है। उसके बाद प्लस टू की डिटेल आपको डालनी है, ऐसे ही किसी आपने प्लस टू पास की है, इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम, कितने नंबर है, कितने में से आपके नंबर हो, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन जो है BTech कर रखी, जो भी कर रखी है, यहाँ पर आप उसकी जो है डाल देंगे, BTech कर रखी है या BCA जो भी कर रखी है, MTech कर रखी है, जो भी है वो यहाँ पर डाल देंगे, ईयर डाल देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम डाल देंगे, कितने नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। कोई डिप्लोमा है तो भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आप जो अपना क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं, यहाँ पर जो है इंग्लिश में दे सकते हैं आप, हिंदी में या पंजाबी में, जो भी देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पूछा हो यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद यहाँ से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने है वो जो है वो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो सेम है तो ये डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना आपको। देखिए उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद अपना एड्रेस आपको डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस है अपनी स्टेट डाल देंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका थोड़ा वेट कर लेना, साथ ही साथ साइट हो थोड़ी बिजी है तो थोड़ा आपको वेट कर लेना साथ ही साथ। उसके बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद अपना जो है सिटी डाल देंगे, पिन कोड नंबर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो सिर्फ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे यस पर, तो आपका जो एड्रेस है वो दोनों में फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपना फोटो आपको अपलोड करना होगा, जिसका साइज है 100 KB, चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो जो अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी 100 KB रखा गया है। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद देखें जैसे ये नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप पे कोई भी क्रिमिनल केस है तो यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे सिंपल। उसके बाद कोर्ट केस है तो कोई भी कोर्ट केस है तो यस नो करेंगे, नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करके आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा आपको वेट कर लेना है, नेट का थोड़ा इशू है तो थोड़ा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। उसके बाद देखें जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो उसको आपको अपना फॉर्म हो वेरीफाई करना होगा, मतलब ये सभी डिटेल आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेनी है, जैसे कि उसके बाद आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आपका फ़ोटो, जेंडर, उसके बाद आपका जो मतलब कि जो पर्सनल डिटेल हो उससे भी डिटेल आप चेक कर लेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है उसे आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, आपका एड्रेस, सभी डिटेल को अच्छे से वेरीफाई करना है। उसके बाद अगर आप इसे जो है अच्छे से वेरीफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर कुछ भी एडिट करना तो यहीं से एडिट भी कर सकते हैं आप, इसके बाद कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आई कन्फर्म पर आप आई एग्री एस कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ जो है अपनी फ़ीस पे करनी होगी और अपना प्रिंट आउट निकालना है। थोड़ा नेट का इशू चल रहा है तो आप यहाँ से आगे भी मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो थोड़ा वेट जरूर कर लें आप। सिर्फ अब आपका प्रोसेस जो है वो फीस का रह चुका है, फ़ीस पे करनी है और प्रिंट आउट आपको निकालना है तो थोड़ा वेट कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन नेट जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है तो सिर्फ अब आपको ऐसे ही फॉर्म भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, आपको ऐसे ही फिलअप करना है, सिर्फ आप अपनी फ़ीस पे करनी है और प्रिंट आउट निकालना है। नेट जो है वो इशू आ रहा है नेट का, तो नहीं तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट कोई वीडियो में।